दीदी आप तो अभी भी डरे हुए हो। आपका भाई है ना आपके साथ, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या, मेरा मनु तो शेर है। हाँ, लेकिन तेरा शेर मास्टर आजकल अपनी माँ की बात नहीं सुनता। जो भी मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं सुनता। मम्मी ये देखो मेरे डोले, अब आप अपने दिखो। चल हट। हो जो तू चाहता है खुदा के बंदे वो भी होगा, बशर्ते तू काबू रख सके अपने आप पर। तो अपने अंदर के शैतान को मार, तेरे हाथ में खून लिखा है। ये कह रहे हो बाबा जी तुसी? तेरे किए का सिला तेरी औलाद तक पहुंचेगा, याद रखना। बस हो गया रवि, चलो। जगन बाबू, दोजख और जन्नत सब यहीं भुगत के जाएगा। चल रवि। पहले ही हम लोग दो बच्चे खो चुके हैं और इस बारी में मैं अपने बच्चे का मुंह देखना चाहती हूँ। क्या इसके पैदा होने का मनु को मारने का ख्याल निकाल नहीं सकते? जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे के पैदा होने तक। क्या चाहती हो, यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरे घर पर नजर रख रही हो और क्यों मेरे परिवार पर नजर रख रही हो तुम? उस चंदन ने तुम्हें भेजा है ना? बोलो। बहुत छेद दिया मैंने और मेरे परिवार ने भी बहुत छेद। चली जाओ यहाँ से, मैं रब दी सौ कह रही हूँ, मार डालू। जो भी कुछ किया है अपनी खुशी के लिए किया है। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और जहां तक मैं खुद को जानता हूं मैं शायद तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूं, प्यार करता हूं तुमसे। लेकिन तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम खानदानों की खातिर इसी दुश्मनी को निभाए रखना चाहती हो तो मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। माफ करना अगर तुम्हें मेरी बात ओखी लगी हो तो। क्या है ना कि मुझे अपनी बात समझाने का और कोई तरीका नजर नहीं आया, मुझे सिर्फ यही तरीका आता है। भगवान मुझे सजा नहीं देना चाहते थे, खोड़ की बीमारी नहीं देते, सारे शरीर पर फैल गई है। शायद अगर मैंने सच बोला तेरे बच्चे के बारे में तो भगवान मुझे इस नाक से बचा ले। टेंडर खुलेगा तो पता चल ही जाएगा ना कि किस जमीन पर अस्पताल बनेगा। गगवाल में अस्पताल बनेगा तो सिर्फ पवनियों की जमीन पर। और तुझे टेंडर के शगुफे हजार करने कर, लेकिन नाम मेरा ही निकलना चाहिए। बदले में बोल तुझे क्या चाहिए, पैसा या फिर कोई तोहफा? आप बताओ भाऊजी, अभी अभी हरजीत भाऊजी भी आए थे, ऐसे ही वो धमका कर चले गए। इतनी ही बड़ी बंदूक लेके आए थे, मैं गरीब तो फंस गया ना। गाल नहीं, मेरे तो पहला पहुंच गया तो क्या हुआ, टेंडर पे तो मेरा इनाम आएगा।
सजा ही अदर की कारी है। बेबी मैं तो जसबीर के ही गई थी, लेकिन वो वाले जसबीर क्या नहीं जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं। मैं तो सुखविंदर चाची की बेटी जसबीर, उससे मिलने गई थी। क्या बात है परजाई, बड़ी सफाई से झूठ बोल रही है। एक बार फिर से सोच लो परजाई, कहीं बात फिर बदलनी ना पड़ जाए। तो कौन सा है? हैं? डिप्टी कलेक्टर है तू? सवाल करे जा रही है? और परजाई को हजारों काम होने, गई होंगी किधर? चुप करके बैठी रह। बेवकूफ। इसे क्या हो गया? मेरी तरफ से बोल रहा है। बेबे को कोड़ वाले लोगों से बहुत घृणा। वीरे को भी कहती थी किसी से भी हाथ मिला ले, लेकिन उनसे मत मिलाना। लेकिन ये छोटा झूठ है, इससे बड़ा क्या हो सकता है बता? क्या हो सकता है? अब जिस अस्पताल में मैंने रजाई को देखा, उसी अस्पताल में मैंने किसी और को भी देखा है। कौन? अरजीत बाजवा। हरजीत बाजवा? कहीं परजाई और हरजीत का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? तो सोच, जे अगर हमने कोई ऐसी कहानी बनाई कि मेरी प्यारी परजाई और वो कमीना हरजीत चोरी छिपे आपस में इश्क लड़ाते हैं, फिर क्या होगा? ओए होए, हाय रब्बा, बेबे ने तो परजाई को घर से बाहर ही निकाल देना है। हाँ। ओए सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो एक और सवाल उठा देना, मन्नु की पैदाइश का। ओए हाँ। अब जरा सोच, बेबे ने जब ये इश्कबाजी वाली बात मान लेनी है तो कितना वक्त लगेगा ये मानने में कि मन्नु मेरे वीरे की औलाद है ही नहीं, बल्कि वो उस कमीने हरजीत बाजवा का खून है। ओए, ये कैसी बातें कर रहा है मन्नु? इसे गुटने गुड़ियों से दूर रखना होगा, ये सब लड़कों के खेल नहीं है। पर उसका तो मन करेगा ही ना, कि वो तो बच्ची है मेरी। नहीं, मनु को अगर दुनिया के सामने लड़का बनाकर रखना है तो उसे हर वो चीज से दूर रखना पड़ेगा जो लड़कियों के लिए होती है। सर, मैं साहिबा के लिए नाटक नहीं कर सकती। क्या सर जी, मुझसे भी काम ना होता नहीं आजकल, मैं भी मिर्जा का नहीं कर पाऊंगा सर रोल। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पिताजी को कह देता हूं कि मिर्जा का रोल आप प्ले कर लो, और अपनी अम्मा को कह देता हूं कि साहिबा का रोल आप प्ले कर लो। खामोशी। जो तय हो गया तो हो गया, अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है तो वो प्रिंसिपल साहब से जाके बात करे। औरत का दिल है जी, आप नहीं जानते। ऐसे भी 7 साल हो चुके हैं जेठ जी को गए हुए, अकेलापन कचोटता होगा, किसे नहीं कचोटेगा है? पर जाई भी थोड़ी ना कोई बुढ़ी हो गई है क्या? मतलब की बकवास कर रही है, दिमाग खराब हो गया तेरा? मुंह फूंक देना मैंने अगर तूने अनाप शनाप कुछ बोला है तो। कुकड़ी कहीं की। ओ बेबे, तू इसकी बात ना सुन। ओ मैं जानता हूँ ना अपनी परजाई को,
चाहे वो इस घर में लाख लड़ाइयां कर ले, लेकिन यहो चाहे कि उन्होंने काम वो कभी नहीं करे। और उसको भी पता है कि इस घर की बड़ी बहू होने के क्या मायने होते हैं। बेबे, अगर वो ऐसी हरकत करेगी तो उसको नहीं पता कि तू उसके बाल खींच के उसको घर से बाहर कर देगी। और ये तो पागल है, कुछ भी बोलती जा रही है। इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तो मेरी रकम तू जाके बाजवाओं को बताएगा। बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप तो नाराज हो गए हो, ऐसे ना बोलिए भौजी। आप ऐसे में तो आप टेंडर हार जाएंगे। और फिर भाजी, आपकी ये गन और मेरी खोपड़ी, क्या गलती होगी मालिक मुझसे, क्यों इस गरीब को बिना वजह फंसा रहे हो? अब फंसा नहीं रहा हूं, तुझे बचा रहा हूं। अब अगर तू मेरे टेंडर की रकम अजीत को बताएगा तो वो जीत जाएगा और तू बच जाएगा ना। ओ, उसको जिताएंगे, तुझे बचाएंगे। लेकिन उसके जीतने के बाद मैं तुझे जो बोलूंगा वो तू करेगा। मंजूर है? जी, जैसा आप कहिए। तू तो कई प्रजाई, अब देख मैं क्या करता हूँ। तुझे इजाजत दूंगी, उसके बाद ही उसके बारे में पता करूंगी। हाँ ठीक है, पता कर, लेकिन खबरदार खुद कुछ मत करना। मैं खुद उनके माँ बाप से बात करूंगी। अगर बच्चे हमारे जैसे हुए, याद रख हमारा काम बच्चे चुराना नहीं है, हमारा काम है बच्चों को मन की आजादी दिलाना। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे बच्चों को दुनिया से छुपा के रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चों पे क्या बीतती है। हमारा काम है बच्चों को आजादी दिलाना और ऐसे माता पिता को समझाना। जब समझ जाते हैं तभी हम ऐसे बच्चों को अपनी टोली में शामिल करते हैं। 16,51,212 एक रुपया कम महीने का बाजवाओं की रकम से, क्लर्क ने बताया था। और टेंडर हमारा ही होना, तू पढ़ ले। इतना क्या पढ़ रही है? 10 खत कर और काम मुका। और ना बेबे, ना, एक परजाई तो है घर में समझदार, पढ़ लेने दे। एले परजाई, रख ले रवि। एले, हाँ। और रवि को मैंने ऐस करके तो भेजा ही यहाँ से। उसको रकम पता चल जानी थी तो कहीं ढिंडोरा ना पीट देती। क्या है ना, अब ये बात हम तीनों के बीच में है, कहीं नहीं जाएगी। पर जाई, तू पढ़ ले, पढ़ के दस्तखत करना, कर ले। मैंने जानबूझकर परजाई को टेंडर की रकम बताई है बेबे के सामने। ओए, ये रकम सिर्फ हम तीनों को पता है। अब अस्पताल का क्लर्क ये रकम हरजीत को बताएगा और वो पैसे कम करके अपना टेंडर भरेगा। जब टेंडर हरजीत के नाम का निकलेगा तो कई सवाल उठेंगे कि हम टेंडर हार कैसे गए। तब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मना किया था ना मैंने? कहां से लाया ये गुड़िया तू? बोल, मनु मुंह खोलेगा नहीं तो मैं। अम्मी, ये गुड़िया मैंने मनु को दी है, ये मेरी है। कैसे कर सकती है सिम्मी? तुझे पता है ना कि मैं उसे क्यों मना करती हूँ? तुझे समझ में आता है ना कि मैं उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलने के लिए क्यों मना करती हूँ? मम्मी, मुझे भी पता है ना, मैं क्यों नहीं खेल सकता गुड़िया से। गुड़िया से खेलने में क्या हर्ज है? हर्ज है क्योंकि मैं तुझे बोल रही हूँ, तुझे समझ में आ रहा है? मनु, कभी तू कोई बात समझ सकता है? ये कभी कोई बात बिना सवाल किए मान सकता है मेरी कि नहीं मान सकता? एक बार में बता। मैंने मना कर दिया तो बात खत्म, नहीं खेल सकता तू गुड्डे गुड़ियों के साथ। और सिमी, तू आज के बाद तूने अगर कभी भी इसे इस बेहूदे खिलौने के साथ खेलने दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब छोड़, मैं सोच रही थी कि वो जो टेंडर के कागजात है ना,
वो मैं ही देने चली जाती हूँ, क्योंकि अब तेरे से तो उठा नहीं जाएगा ना। और हाँ, तू काम की भी चिंता मत कर, अगले एक डेढ़ महीने का काम ना मैं ही संभालूंगी, तू पड़ा रहे। वो इतने पूरे दिन नहीं आए कि एक औरत के भरोसे बैठना पड़े मुझे। क्लर्क से बात हो गई मेरी, मैं खुद जाकर देख आऊंगा उसे। पूजा, चूल्हे में मुंह फूक अपना, और देर यही रही जितना तो कर ही सकता हूं कि तुझे दो हाथ के लगाकर तेरी औकात तुझे वापस याद दिला सकूं, समझी? मिर्ची लग गई ना। जाती यहां से। अरे संभाल कर, दूसरी भी टांग टूट जाएगी। मेहंदी लगवानी है ना, आजा आजा, जल्दी से बैठ जा। अब्बास, वो बच्चे को मेहंदी लगवानी थी तो मैंने सोचा कि आपको मेहंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यार रावी चाची की मालिश करने के लिए आई थी ना, नजर उतारने के लिए आई थी ना, तो बस वही कीजिए। मनु, तू पागल है क्या, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो लगाई है ना तूने, दो दिन तक नहीं उतरेगी, मम्मी को क्या बोलेगा तू? आप जाइए, आप, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। परजाई, तू हर रोज यहाँ आ रही है और घर पे झूठ बोल दिया तूने। बेबे को पता चल गया तो? हाँ, लेकिन बेबे को पसंद नहीं है ना ये सब। नहीं, सही बात है, तू सही कह रही है। ओ बेबे को ये सब समझ नहीं आता, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैंने किसी को नहीं बताना। ओ बड़े से बाप का काम है। एक काम कर दे, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल मैं तेरी मदद कर। मेरा काम हो गया और वक्त भी खत्म हो गया है ना मिलने का, मैं घर ही जा रही थी, निकलती हूँ। हाय हाय मेरी परजाई, ओ कितनी पोली है तू, तू जानती भी नहीं कि तेरे इस झूठ से मैं कितना फायदा उठाने वाला हूँ। ओ कमरा है इसकी माँ का, वहां पे पलंग के ऊपर दरी बिछाओ और कर इसकी मालिश। मालिश? मनु की मालिश करेंगे तो मनु का सच पता चल जाएगा। मैं जाके रोकती हूँ। आजा बेटा, चल चल जा, मैं भी आती हूँ। नहीं, मैं जाके रुकूंगी तो ये लोग शक करेंगे। क्या करूँ फिर, क्या करूँ मैं? बड़ा शरारती बच्चा है। गिर गया है। ओए बेबे, ऐ क्या होया? मामू, ओए सिमी, ओए बेबे, मामा, ओ गिर गया है, मैं कोई उठाओ मुझे। मामा, ओ सिमी, मामा, मनु, क्या हुआ आपको? मामा, 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 ठीक तो है ना, कितनी चोट आई है? और पीरू, तू कैसे गिर गया? बेबे, यहाँ पे किसी ने बाल्टी रख दी थी साबुन वाली, बेबे लगता है मेरा ना कंधा उतर गया। मालिश करा रही थी। मालिश किससे? मुझसे। मेरा कंधा। चल नी, इसकी मालिश कर, हूँ चढ़ा इसका कंधा। हाँ 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 माता जी। ओ, ओ,
ओ क्या कर रहा है, धीरे 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 धीरे। ओ बेबे ओए सही होगा। दुश्मनी 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 दुश्मनी, तंग आ गया मैं ये सब सुनते सुनते। सबसे यही सुनता हूँ, मैंने मोहब्बत की दुनिया देखी है साहिबा, अपने ख्वाबों में तुम्हारे साथ हाथ में हाथ लिए तारों के उस पार। लेकिन अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो ना सही, मोहब्बत मिर्जे ने की है ना, तो मिर्जा इस दर्द को भी संभाल लेगा। लेकिन मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है, ये दुश्मनी है मैं मानता हूं, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत इस दुश्मनी की लकीरों को धो नहीं सकती, मिटा नहीं सकती इन लकीरों को? मैं मानता हूं लोग मरे थे, दोनों तरफ के लोग मरे थे, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अवनियों के लोग मारे गए थे, तुम्हारे लोगों की जाने गई थी? बाजवाओं के लोग तो मरे ही नहीं, उनका तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, उनकी तो जाने गई नहीं। मोहब्बत की है मैंने तुमसे, दुश्मनी होती है तो तबाही मचती है, दोनों तरफ की मचती है। देख तो उसकी माँ है, उसे प्यार से अपने पास बिठा के सब कुछ बताएगी तो उस पर कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा, समझी है? दीदी आप तो जानती हैं कि फिर क्या कुछ दांव पे लग जाएगा। देख भाभी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मन्नू के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं उसकी हिफाजत करूंगी, इसीलिए तुझे कह रही हूं। उसे सच सच बता दे ताकि बच्चे के मन पे कोई बुरा असर ना पड़े। अब अगर तू नहीं बताएगी ना तो मैं बता दूंगी, लेकिन बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगी मैं। हाँ मैं सही सोच रही थी, ये बच्चा वो नहीं है जो सबको पूरी दुनिया को दिखता है, वो लड़का नहीं है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, और उम्र के जिस पड़ाव पर आज मन्नु है तो उस पड़ाव पर कोई ना कोई या तो कुछ सुन लेगा या भांप लेगा। अरे इसीलिए कहती हूं मन्नु को सब कुछ सच सच बता दे ताकि वो इस सब में तेरा भागीदार बन सके, उसी में सबकी भलाई है। तू जितना उसे छुपाने का जतन करेगी लोग उतना ही सवाल पूछेंगे तुझसे, और अगर कोई सवाल उसके मन में बैठ गया ना तो तेरी झूठ की परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर जाएंगी, और फिर जो होगा ना अच्छा नहीं होगा। हाँ मना किया था ना मैंने, मना किया था कि नहीं किया था मन्नू? बोल, जवाब देगा या चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा? क्या है ये? मम्मी, मम्मी मेरा मन किया, मुझे गुड़िया अच्छी लगती है। तुझे गुड़िया अच्छी लगती है? मैंने मना किया था कि गुड़िया से नहीं खेलना, तो मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैंने तुझे मना किया तो तू एक बार में सुन नहीं सकता? मैंने कहा था कि गुड़िया के साथ नहीं खेलना है, मैंने कहा था कि गुड़िया की शादी में शरीक नहीं होना है, तो क्यों नहीं माना तूने? मम्मी मेरा मन करता है इसे खेलने का, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया। आप हमेशा मुझको टोकते ही रहते हो, मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो। आप हमेशा कहते हो कि मन्नू ये कर वो कर, आप मेरे चिल्लाने नहीं देते मुझको। मैं कितने दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझते ही नहीं हो कि मुझे गुड़िया से खेलना बहुत पसंद है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। आज के बाद तू वही करेगा जो मैं तुझसे कहूंगी, समझा तू? भाई माँ का क्या करें हम,
मैं कल भी उनसे मिलने गया था। उन्हें लग रहा है कि हमने उनको अस्पताल से इसलिए हटाया क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। और वो अब तो और भी काबू से बाहर होती जा रही है। और पता है, वो बोल रही थी कि मन्नू के बारे में सबको सच बता देगी ताकि भगवान उनको इस कोर्ट से मुक्त कर सके। वीरू, मैं जितना चाहती हूँ कि मैं मन्नू को यह सच बता दूं, उससे भी ज्यादा चाहती हूँ कि यह सच दुनिया के सामने ना आए। कुछ भी हो जाए, ये राज राज रहना चाहिए। दीदी, मैं कल ही दाई माँ के पास जाता हूँ। और कल तुझे जाना है ना शहर किसी काम से। वो सब छोड़ना दीदी, मैं नहीं। तू अपना काम कर, तेरा काम नहीं रुकना चाहिए। संभाल लूंगी, तू जा।